दोस्तों स्वागत है आप लोगों का क्रिकेट मैक्स मसाला पर। चेन्नई सुपर किंग्स ऑक्शन में किन खिलाड़ियों को लेगी, आज हम इस वीडियो में यह बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स के कितने स्लॉट खाली हैं। चेन्नई के 6 स्लॉट खाली हैं, जिनमें उन्हें 3 विदेशी और 3 इंडियन खिलाड़ी भरने हैं। इनके 3 इंडियन खिलाड़ी कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। पहले हम बॉलर की बात करें तो शार्दुल ठाकुर को यह टीम जरूर लेने वाली है, क्योंकि ठाकुर इनके पुराने खिलाड़ी हैं और हमेशा से ही देखा गया है कि चेन्नई सुपर किंग्स अपने पुराने खिलाड़ी पर बोली जरूर लगाती है। और इस बार चेन्नई को शार्दुल की जरूरत भी है, क्योंकि चेन्नई के पास कोई भी डेथ ओवर का स्पेशलिस्ट गेंदबाज नहीं है। साल 2019-20-21 शार्दुल ही चेन्नई के लिए डेथ में गेंदबाजी करते थे। चेन्नई को शार्दुल ठाकुर 5-7 करोड़ में मिल जाएंगे। वहीं दूसरे इंडियन की बात करें तो यह मनीष पांडे रहने वाले हैं। चेन्नई सुपर किंग्स को अंबायती राडू का भी जगह भरना है। चेन्नई सुपर किंग्स कोई भी नए खिलाड़ी पर बोली नहीं लगाएगी, बल्कि पुराने खिलाड़ी को ही लेकर अपने टीम में स्टार बना देंगे। मनीष पांडे का इस वक्त फॉर्म काफी ज्यादा खराब है, लेकिन आप यह सब भूल जाइए, अजिंक्य रहाणे जो कि टेस्ट के बल्लेबाज थे, वह भी चेन्नई में आते ही गजब के खेले। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चेन्नई पुराने खिलाड़ी को ही टारगेट करके उन्हें स्टार बना देगी। चेन्नई को मनीष पांडे 5 करोड़ तक में मिल ही जाएंगे। वहीं तीसरे इंडियन की बात करें तो यह डोमेस्टिक का प्लेयर होने वाला है, चाहे वह शुभ्रांशु सेनापति हो या भागवत वर्मा हो, क्योंकि यह दोनों चेन्नई के टीम में रह चुके हैं और चेन्नई इन्हीं दोनों में से किन्हीं एक को लेने वाली है। अब बात कर लेते हैं विदेशी खिलाड़ी के बारे में। विदेशी खिलाड़ी में काफी स्टार सब खिलाड़ी इस बार ऑक्शन में आने वाले हैं। मिचेल स्टार्क, ट्रेविस हेड, रचिन रविंद्रा, डेरियन मिचेल। पहले विदेशी खिलाड़ी की बात करें तो वह जोस हेजलवुड या मिचेल स्टार्क में से कोई एक रहने वाला है। ज्यादातर चांसेस जोस हेजलवुड के हैं। जोस हेजलवुड इसलिए क्योंकि वह चेन्नई का हिस्सा रहे हैं, और सिर्फ रहे ही नहीं है बल्कि 2021 में चैंपियन भी बनाए हैं। अगर हेजलवुड के साथ कोई भी इंजरी का कंसर्न नहीं होता है तो चेन्नई हेजलवुड को जरूर लेगी। अब बात कर लेते हैं मिचेल स्टार्क की। मिचेल स्टार्क के पीछे लगभग सभी टीम भागने वाली है और इनका बोली कहीं ना कहीं 18 से 20 करोड़ का लगने वाला है, इसीलिए मिचेल स्टार्क को लेना थोड़ा सा कठिन होने वाला है। अब देखना होगा कि चेन्नई इन्हें लेगी या नहीं। वहीं तीसरे खिलाड़ी की बात करें तो यह विनिंदु हसरंगा होने वाले हैं। अब आरसीबी ने ना जाने क्यों विनिंदु हसरंगा को अपनी टीम से बाहर किया। हसरंगा एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पर्पल कैप और ऑरेंज कैप दोनों जीत रखे हैं श्रीलंका प्रीमियर लीग में। अगर यह IPL 2024 पूरी तरीके से खेलते हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स इन्हें जरूर अपनी टीम में लेगी, क्योंकि महेश तिरछाना स्पिन से उतने ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। और अगर चेन्नई हसरंगा को ले लेती है तो इन्हें बैटिंग भी मिल जाएगा और बॉलिंग तो ये काफी खतरनाक करते ही हैं। आप लोग कमेंट में बताइए चेन्नई सुपर किंग्स को कौन सा खिलाड़ी को लेना चाहिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।